निशांत ग्रोवर कितना की हाल चाल है सारे दे होप सारे ठीक होंगे अपने अपने घर में। एंड गाइज आज है गुरपुरब, तो सबको गुरपुरब की लाख लाख बधाइयाँ एंड हैप्पी बर्थडे गुरु नानक देव जी को एंड सबको मुबारकबाद। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी, देखते हैं कहाँ जाना है। थोड़ी होली 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 गाइज थोड़ी हवा हुआ चलती है, इसलिए बहुत टाइम के बाद मैं जाऊँगा तलन गुरुद्वारे मथा टेकने। तो देखते हैं वहाँ पे जाके रश है कि नहीं है। वैसे तो रश होगा, अभी हाईवे पे हूँ इधर, तो लेट्स गो वहाँ पे और वहाँ जाके बात करते हैं। अभी मैंने बहुत देर से निकला हुआ था वहाँ से, अभी सिटी से बाहर आ गया, थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया, पर अभी चलते हैं वहाँ पे और ये देख सकते हो तू मामा तेरी खांचा भी जानी है ना तो जिसने बकवास किया अभी, पर कोई नहीं, पर अभी चलते हैं। सुनसान पड़े रेलवे ट्रैक, कोई ट्रेन नहीं। इसमें कितने सारे पिंड आ रहे हैं, वहाँ से क्रॉस हो गए हम निकलेंगे और अभी पता नहीं हमें कौन सा ये है एरिया, पर हमें रास्ते ज़रूर पता है। तो अभी यहाँ से निकल के आगे देखते हैं मेन रोड तक कहाँ कहाँ पहुँचना है और जो भी होगा आपको पता ही, आपको दिखाएंगे ज़रूर कहाँ जाना है। हवेली जाना है या फिर हमने जाना है तलन, माथा टेकने तो जाना ही जाना है, बाकी देखते हैं। यार ये तलन पिंड की शुरुआत हो चुकी गाइस, सारा यहाँ से शुरू हो चुका है तलन पिंड एंड आगे फिर गुरुद्वारा आएगा। अभी यहाँ से रोड ऐसा ही है जंगल जैसा, तो यहाँ से निकलते हैं अभी हम, फिर आगे मिलते हैं आपको कहीं और मंजिल में। हाँ अच्छा लगता है ना खेत वगैरह पूरा देख के, ओ माई गॉड एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है, देख सकते हो कितना सही मौसम एंड माहौल। मौसम तो इसलिए क्योंकि ठंड तो ऐसी है और देख सकते हो हवाइयों पे उड़ते उड़ते हम खेतों में घुसते घुसते आगे आगे जा रहे हैं और ये सब्जियां शायद लगी हुई है। अभी रास्ता उधर था, उधर ऐसे हो गया तो ऐसे ऐसे भटक जाते हैं बीच में, तो पिंडों के बीच में से जाना बड़ा मुश्किल एक तो होता भी है, पर बहुत टाइम के बाद आया इसलिए रास्ता भूल गए, पर अभी अब जा रहे सही रास्ते में। लेट्स गो स्टफी। हमारे पास ऐसे का सेम डॉग था, लाइक 10 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, तो बहुत ही क्यूट था, स्टफी नाम था उसका, वाइट कलर का स्टफी। तो अभी चलते हैं और जन्नत 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 पे रुक गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे भी फ़ोटो शूट करा रहे हैं हम एंड फोटोज़ फोटो वीडियो बनवाई हैं, बहुत ही अच्छी सी आ गई, पर धूप कम हो रही है एंड शाम ढल गई है तो इसलिए थोड़ी फ़ोटोज़ भी सही नहीं आ रही, पर कोई ना जैसी भी आएगी सही आएगी, थोड़ी बहुत खिंचवा लेते हैं नहीं तो फिर दोबारा आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। माथा टेकने गुरुद्वारे, लेट्स गो बेबी, रश बहुत होगा आज वैसे भी, चलो 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 फटाफट। आ गए अंदर, पार्किंग पे लगा दिया है, पीछे मार्केट चेंज हो गई, पहले कहीं और थी, तो अभी चलते हैं अंदर की और फिर आपको साथ साथ में दर्शन कराते हैं। लेट्स गो अंदर, जला रहे हैं और के बर्थडे में देखो एक जेस्चर ही है और क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक लाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ। अभी ऊपर चलते हैं माथा टेकने। अभी प्रसाद लेके चलते हैं बाहर को, लेट्स गो आउटसाइड। जा रहे हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ पूरा हॉल, लेट्स ईट द प्रसाद। गुरु नानक देव जी का बर्थडे आज, खुशियाँ मनाते हैं, लेट्स गो। प्रसाद शुरू करते हैं भाई, अगर प्रसाद हो गया, चाय भी पी ली, लड्डू का प्रसाद भी मिल गया, घोड़ा सही घोड़ा देख लो, हॉर्स
हॉर्स लटकी हुई थी, यहाँ घोड़ा लटक वहाँ कार लटकी हुई थी पिछले व्लॉग में और यहाँ घोड़ा। तो भाई अभी यहाँ से चलते हैं, प्रसाद ले लिया एंड अभी लेते हैं अपने जोड़े, उसके बाद उठाते हैं अपनी यामा हायाबुसा यहाँ पर कुछ लेते हैं। इतनी अच्छी की हुई है डेकोरेशन और ये मार्केट है सारी साथ साथ में चल रही है, पार्किंग भी है, अभी हम जाके जोड़े लेंगे। लेट्स गो नंगे पैर खेड़ी, देख लिया फोटोज वोटोज खिंचवा ली है, अभी चलते हैं अपने उठाते हैं व्हीकल और चलते हैं घर को और देखते हैं क्या सीन है। भाई मैं आया था यहाँ पे 3 साल पहले, लाइक दोस्तों के साथ आते थे घूमते फिरते थे, पर अब थोड़ा कम हो गया और इस साल तो वैसे नहीं निकले कहीं पे, तो यहाँ पे मतलब अच्छा भी था कि आज या गुरुपुरा माथा टेक लिया, पास के घर के पास गुरुद्वारे में जाते थे माथा टेकने, तो मैं कहा यहाँ तलन साहिब चलते हैं माथा टेकने, तो यहाँ पे आ गए एंड माथा मुथा टेक लिया, लंगर खा लिया, अच्छे से दर्शन हो गए और रश भी था थोड़ा बहुत पर ज़्यादा नहीं, ठीक ठीक था, ज़्यादा क्राउड भी नहीं था और ये देख सकते हो पार्किंग इतनी है, सारी चेंज कर दी है वहाँ से दूसरी साइड से यहाँ पे ले आए पार्किंग, अभी रास्ते में बात करता हूँ आपसे, बाय बाय करते हैं। तो ये देख सकते हो भाई बहुत ही मज़ा आया, फ़ोटो शूट भी हो गया, खा भी लिया लंगर, माथा भी टेक लिया और मैं कैब भूल गया घर पे, गॉग्स भूल गया था, चलो वो तो कोई नहीं दूसरी थी, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ठीक है रे तुसी ठीक है, ठंड बहुत है, एक्टिवा होगी बहुत ज़्यादा, वैसे भी थोड़ी चलाई तो मैं थोड़ी चलाई, वैसे भी विलेज और पिंड में मतलब पिंडों में बहुत ज़्यादा ठंड होती हैगी है, जे तुहानू नहीं पता है तुसी आओ तो इस्तेमाल करो, इस्तेमाल नहीं इहदा ओह लो अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लो, आ देखो जी ओए हो फटाफट इतों निकलते हैं हम आप, तो आप पहुँचते अपने शहर क्योंकि जिते मैं रहना उत्थे तलन बहुत दूर हैगा, मैं पंजाब च पंजाबी जिस करें गल करें क्योंकि आप है पंजाबी, तो पिंडा चो निकलते तो पंजाबी निकल ही जाती साढ़े मुँह, देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा सामने, भाई साहब रात के 2 बज गए हैं, ठंड लग रही है इसको, ठंड लगती है ओए ओ भाई साहब आगे वाली गाड़ी दिख रही है देखो, सुनसान रास्ते, बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे हाईवे पे जाके बात करते हैं गाइच गाइच, पूरा खतरनाक सीन हो चुका है, बड़ी ठंड भी लग रही है और पूरा ही जंगल है यहाँ पे, जैसे सुबह खेत खूत में फोटो खिंचवा रहे थे जैसे निकले थे आपको दिखाया था, अभी बस हाईवे पे टच करते हैं फिर आपसे बात करते हैं, दिख ही नहीं रहा वैसे तो लाइट के बिना, पर जय हो जय गुरु जी, लेट्स गो, वेट हो रही है पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, आपको दिखाते हैं साथ में, बड़े टाइम के बाद ट्रेन देख रहे हैं हम, देखते हैं कौन सी ट्रेनें चल पड़ी हैं, फाटक बंद है, बैक कैमरा करके दिखाते हैं, रुको आगे से दिखाते हैं फोकस, खुल जा सिम सिम, चलो 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 जैन दियो जैन दियो, शाबाश हौली हौली धीमे धीमे सारे चलो सारे आ टाइम है, अपनी फेवरेट जगह पे आ गए मोमोज खाने, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो ये पीछे देख सकते हो, पहले भी बहुत बारी दिखाया है आपको, अब खाते हैं एंड उसके बाद मनोरंजन पाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पता ही है दिसंबर है अब कल से स्टार्ट हो गया, तो बस ठीक है और रश बहुत है मोल्टन में। घर पे एंड अब चलाते हैं पटाखे, पटाखे पटाखे चलाएंगे क्योंकि पता ही है बर्थडे आज, तो हर साल चलाते ही हैं, तो मैं कहा इस बार ही आपको दिखाएं, यस कितने सारे लेके आए, वही दिवाली के ही सारे लेके आते इकट्ठे, ये देखो अभी देखते हैं इसमें से कौन से बचे हैं, क्या नहीं बचा अभी फैलाएगा ऐसे सजाएगा, बम बम बोले हैप्पी बर्थडे टू यू 1 2 3 एंड ये देख सकते हो, ओह लेट्स शो यू गाइस, गलत सीन है कितनी चूट फूट चूट फूट, वो भी हाथे चे ज्यादा सीरियस हो गएगा, ज्यादा
होए नहीं तो गंद पाता ही। किसकी? अनार। दिखाइए अनार। ओहो नाइस अनार, बड़ा बड़ा चलेगा ऐसे शू करके। चलो चलाते हैं इसको। दूसरा चलने लगा स्टार्ट। चलो जी चलाता है मुझे, मैं अगर आती हूँ यार। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, दिल को धड़कड़ दे देता है ऐसे करके। चलो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे। टैना टैना पिछ बाजी होने लगी, थोड़ा पीछे हो जाओ। ऊपर खाली भरावा फोन। गलत सीन। हेलो फ्रेंड्स, फुलझड़ी चला लो, गरम गरम ठंडी ठंडी पानी पानी शाबाज। ओके बाय। वही सारे पटाखे चला चुके हैं एंड अब देखते हैं नीचे अनार नूर शॉट भी चला रही है। लेट्स सी क्या क्या करते हैं। और बाकी घर जाऊंगा मैं अभी नीचे और खाते हैं खाना खुना रोटी प्रसाद। वैसे तो खा के आया हूँ, दिखा दिया लंगर खा लिया था हमने। और भी देखते हैं मस्ती मौज। लोग वैसे भी कम चला रहे हैं पटाखे, पता नहीं क्यों सारा सुनसान हुआ पड़ा है, ज़्यादा बाजे नहीं आ रहे। पर अच्छी बात है पोल्यूशन होगा ऐसे तो, पर हम सुधरेंगे नहीं। फ़न के लिए चलाना जरूरी है और गुरु नानक देव जी को हैप्पी बर्थडे करना जरूरी है, इसलिए एहतियात जरूरी है। तो लाइटनिंग इतने वाली आ रही है। हाँ ओके।